हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एंड इवनिंग तक जोसा ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए आप क्लास ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड, क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट अब्रॉड वालों के लिए है, जो इंडियन नेशनल्स हैं एंड जिन्होंने इंडिया में क्लास ट्वेल्थ दिया है वो लोग एडमिट कार्ड या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, एंड बाकी लोग पासपोर्ट। अब हमें ये तो पता चल गया है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, बट ये अपडेट जोसा ने बहुत लेट से दिया, लगभग एक दिन के बाद मानो दिया है, एंड तब तक बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए, तो अब रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है एंड रीअपलोड डिसेबल हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा कि रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्या किया जाए। तो मैंने जोसा ऑफिशियल को फिर से मेल भेजा था एंड उसका रिस्पॉन्स भी आ गया है, तो हम लोग रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि उन्होंने क्या मेल भेजा है। ये रहा वो ईमेल जिसमें मैंने पूछा था कि रीअपलोड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाए स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का। तो उन्होंने रिप्लाई बैक किया है आईटी अलाहाबाद टीम ने, उन्होंने रिप्लाई किया है कि अगर रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो कोई बात नहीं, वेरीफाइंग ऑफिसर क्वेरी रेज करेंगे एंड उस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको शेड्यूल के हिसाब से देना पड़ेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, वेरीफाइंग ऑफिसर आपको या तो मेल कर देगा या फिर जोसा की वेबसाइट में इंस्ट्रक्शंस दे देंगे आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको एक या दो दिन दिया जाएगा करेक्ट करने का। जो भी डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करना हो आप करेक्ट कर लेना, आप लोग जोसा की वेबसाइट को देखते रहना एंड अपने ईमेल को भी चेक करते रहना। कोई भी क्वेरी हो आप या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या तो एनआईटी इलाहाबाद टीम को मेल कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।